हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। देखिए दोपहर के 12:30 तो बज चुके हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली स्थित अपने घर से नहीं निकले हैं। हमारे रिपोर्टर्स उनके घर पर भी मौजूद हैं, बीजेपी मुख्यालय में भी मौजूद हैं। सिंधिया के घर और बीजेपी मुख्यालय के बीच की दूरी करीब 11 किलोमीटर की है। 12:30 मुख्यालय पहुंचना था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, बीजेपी को ज्वाइन करना था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, किस चीज का विलंब है? कल शाम को भी यही खबर आई थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, अब क्या पेच? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज जारी किया है, ज्वाइनिंग तो होगी निश्चित रूप में, पेच कोई बड़ा नहीं है। खुद अभी चूंकि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, वो संसद में बताए जा रहे हैं कि वो संसद में हैं, और संसद में एक मुलाकात भी आपस में चल रही है। गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ कुछ बैठक कर रहे हैं आपस में वहां पे, और उसके बाद जब जेपी नड्डा वहां से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे तब जाके सिंधिया अपने घर से निकलेंगे। अब माना जा रहा है ये ज्वाइनिंग करीब 1:30 के आसपास होने वाली है, क्योंकि पार्टी के इंटरनल बैठकों और कार्यक्रमों की वजह से जेपी नड्डा को खुद आने में देरी हुई, जिसकी वजह से ये ज्वाइनिंग थोड़ा सा देर हो रही है। अब ये जो ज्वाइनिंग होगी वो करीब 1:30 भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी। यही कारण है कि अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से नहीं निकले, क्योंकि उनको मैसेज दिया जाएगा कि अब आप आइए, तब वो अपने घर से निकलेंगे। जब यहाँ पे सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहेंगे ज्वाइनिंग कराने के लिए, उसके बाद वो अपने घर से वहां निकलेंगे और सीधा यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। जी शोभना, ठीक है। नीरज, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। तो बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब दोपहर 1:30 ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये सदस्यता ली जाएगी। अशोक वानखड़े लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक वानखड़े, स्थिति बहुत उलझ गई है। कांग्रेस का दावा है, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है, मेरे साथ पूरे विधायकों की संख्या मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ उनको भेजना भी पड़ रहा है। संख्या आएगी कहां से, वहां तो 20 विधायक इस्तीफा देके बैठे हैं। जो मध्य प्रदेश में हालात है उससे लगता है कि देश में सबसे असुरक्षित यदि राज्य कोई होगा तो मध्य प्रदेश है, जो विधायक विहीन है। सारे विधायक भी अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और भाग रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए जा रहे हैं। तो फिर एक मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस वो था, जिंगल था टूरिज्म का, एमपी गजब है। तो एमपी गजब इतना हो गया है कि एमपी को छोड़ के एमपी के विधायक जयपुर में पर्यटन के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग गुड़गांव में पर्यटन के लिए आए हैं, और मध्य प्रदेश में जहां लोगों को बुला रहे हैं ये स्वयं मध्य प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। तो ये सब राजनीति उठापटक है। अविश्वास में पहले से कह रहा हूं, अविश्वास का माहौल इतना ज्यादा है कि कोई अपने विधायकों पर विश्वास नहीं रखता, विधायक अपने नेताओं पर विश्वास नहीं रख रहे हैं। एक बात तय है इस पूरे घटनाक्रम में, कमलनाथ की सरकार जाना ये तय है। ठीक है, राकेश शुक्ला, अजब गजब स्थिति लोकतंत्र में पैदा हो गई है। जनता जो है वो किसी को वोट देती है, सरकार बनती है, अचानक कुछ समय बाद वो सरकार गिर जाती है। अजब गजब परिस्थिति पैदा होगी, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, और अब मध्य प्रदेश सीधा साधा उदाहरण हमारे सामने। हाँ ये सही है, आप जो कह रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इस देश में, खासकर छोटे राज्यों में भी हो रही हैं, बड़े राज्यों में भी शुरू हो गई हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात शोभना जी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी शोभा ओझा जी की तरफ से एक दावा किया गया कि बेंगलुरु में जो विधायक हैं वो विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में है, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया, वो नए पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं जाना चाहते, और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि सिंधिया समर्थक विधायकों के बीच में बगावत है। लेकिन अभी जो कांग्रेस की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया स्पीकर को, और उसमें बेंगलुरु गए विधायकों के बर्खास्तगी की मांग की गई, उनके सदस्यता की बर्खास्तगी की मांग की गई, उससे वो दावा स्वमेव ही खारिज हो जाता है कि बेंगलुरु गए विधायक कांग्रेस के आलाकमान और मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। इसका मतलब है कि सिंधिया के समर्थन में जो बेंगलुरु गए हैं विधायक वो सिंधिया के साथ पूरी मुस्तैदी से हैं और रहेंगे, और कांग्रेस जो दावा कर रही है कि बेंगलुरु के विधायक उनके संपर्क में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ही साबित कर दिया स्पीकर को ये पत्र देकर कि उन विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। ठीक है, अशोक वानखड़े, कहीं ना कहीं कांग्रेस का आला कमान ये एसेस नहीं कर पाया, इस स्थिति की समीक्षा या कहिए कि अंदाजा नहीं लगा पाया कि ज्योतिर
ज्योतिरादित्य सिंधिया इतना बड़ा कद है और इतने विधायक उनके साथ चलेंगे। रुकिए, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले मैं रुक कर लेती हूँ। सज्जन सिंह वर्मा से बात की हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने, उनको सुन लेते पहले। क्राइसिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है सज्जन भाई, आपको तो कहा गया था कि आप बेंगलोर में होंगे, लोगों से बात करें। मैं सुबह आ गया, कल वहीं रह के सुबह मैं आ गया, अभी जयपुर सारे विधायकों को लेके जा रहा हूँ, रात को वहाँ से फिर बेंगलोर जाऊंगा और हमारे नेता डी शिव कुमार मोर्चा संभाले हुए हैं और वहाँ जो सिंधिया जी जो 19 लोगों के नाम ले रहे हैं, कई विधायकों से उनकी पत्नी के जरिए, उनके पुत्रों के जरिए हमने बात की है। उनका स्पष्ट कहना है कि हमें अंधेरे में रख के माननीय सिंधिया जी ले गए हैं। एक व्यक्ति अपने स्वयं के पद के लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 18-19 लोगों को गिरवी नहीं रख सकता। हम स्वतंत्र हैं, जब भी मौका मिलेगा हम निकल। कुछ लोगों से बात हुई आपकी, रूबरू बात, फोन से बात, मोबाइल पे, जैसे किसी की पत्नी के जरिए मैंने कर ली, किसी पुत्र के जरिए कर ली, ऐसे 7-8 लोगों से बात हुई। उनका यह कहना कि बहुत सारे लोग छटपटा रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। हम जयपुर जा रहे हैं, हमारी घुमाने जा रहे हैं वहाँ से। ये थे सज्जन वर्मा, जिनका कहना है कि बेंगलोर गए थे, फिर आ गए और फिर बेंगलोर जाएंगे और इस बड़ी क्राइसिस को किस तरह समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन होमेन के साथ ब्रजेश शाजपूत, एबीपी न्यूज भोपाल। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।